एसक्यूएल सर्वर जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज। वो डेटाबेस के अंदर अपना जो काम है वो करने के लिए माना जाता है, डेटाबेस को मैनेज करना, डेटाबेस को एक्सेस करना, उसके लिए यूज की जाती है। तो बेसिकली इसके दो पार्ट है। पहला है आपका डेटाबेस, सिक्वल सर्वर, डेटाबेस की सर्वर है, स्टैक है जहां पर डेटा होल्ड होती है। दूसरा होता है सिक्वल क्यूरी, जो कि स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, जहां से डेटा को हम जिसके जरिए डेटा सर्वर से निकालते और डालते हैं। सबसे पहले हम सिक्वल सर्वर ओपन करते हैं। तो प्रॉब्लम होती है कि सिक्वल सर्वर के लिए दो है, एक तो आपका सर्वर हो गया सिक्वल सर्वर, ठीक है, दूसरा आता है आपका उसका इंटरफेस जो कि है सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, उसको यहाँ पे आपके सामने ऑन करते हैं। यही हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसी से हम सर्वर को हैंडल करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही शुरुआत में आप एसक्यूएल सर्वर को खोलिएगा तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो आप क्या करें, ऊपर जो है डेटाबेस इंजन को सिलेक्ट करें और नीचे सिक्वल सर्वर का नेम है ना, विथ पाथ, क्या बोलते हैं पाथ, ये जो आईपीटी दिख रहा है ये क्या है, ये मेरा कंप्यूटर का नेम है। इसके जगह पे आपका क्या हो सकता है, इसके जगह पे आपका पाथ हो सकता है, क्योंकि सर आपके ऑफिस के अंदर में सर्वर आपके पीसी पे नहीं होगा। फिलहाल तो मेरा सर्वर मेरे पीसी पे है, जिसको हम लोग लोकल होस्ट कहते हैं। लोकल होस्ट किसको कहते हैं, जब आपका सर्वर आपके पीसी पे हो, लोकल पीसी पे हो, जबकि सर्वर पे ना हो, तो इसलिए यहाँ आगे इसके जगह पे पाथ हो सकता है, उसके बाद सिक्वल सर्वर नेम। अब यहाँ पे सिक्वल सर्वर नेम जो है ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा सिक्वल एक्सप्रेस डिफॉल्ट मैंने छोड़ दिया था इंस्टॉल करते समय, तो सिक्वल एक्सप्रेस ले लिया। अब ये आपको सिलेक्ट करना है। अगर कभी आपको सिक्वल सर्वर का नेम पता नहीं चल रहा है तो नीचे क्लिक करेंगे और ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो सारे सर्वर, जितने भी सर्वर नेम है वो यहाँ पे आपके आ जाए, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करें, उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन। अभी क्या है कि मेरा लोकल होस्ट है और मैंने इंस्टॉल करते समय कोई आईडी पासवर्ड नहीं डाला, तो ये विंडोज ऑथेंटिकेशन पे चलेगा और कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपके ऑफिस के अंदर में तो होता है क्लाइंट पीसी। आप बोलेंगे सर क्लाइंट सर्वर क्या होता है, देखिए क्या है कि एक सर्वर, एक बड़ी सी पीसी है जिस जो कि सर्वर है, जहां पे हमारा एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल, जहां पे डेटा है। अब मेरे अपने पीसी से डायरेक्ट उस सर्वर पे तो नहीं जा सकता ना, क्या जैसे मान लीजिए कि मेरी ईमेल आईडी, मैं एक बार क्रोम ओपन करता हूँ, मान लीजिए कि मेरी ईमेल आईडी, मेरी सर्वर पे ईमेल आईडी है, तो मैं डायरेक्ट ईमेल आईडी क्या लिख दूंगा, सुजीत कुमार एट द रेट आईपी इंडिया करके खोलते रहूंगा। पहले मुझे उसका इंटरफेस जो है, जैसे कि web.webmail.iptindia.com खोलना होगा, वहां पे आईडी पासवर्ड करके लॉगिन करना होगा, तब मुझे मेरे मेल आईडी के सर्वर पे ले जाएगा। तो एक यूआरएल तो चाहिए ना मुझे अपने ईमेल आईडी पे जाने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से यहां भी आपको क्लाइंट सर्वर होता है, मतलब कि आपके एक पीसी में सिक्वल सर्वर हो गया, बाकी जितने पीसी में, तो सबके पीसी में सेम क्लाइंट सर्वर होगा। क्या होगा, क्लाइंट सर्वर, जिसकी साइज बहुत कम होगी, उसका काम सिर्फ होगा आपके पीसी को सर्वर से कनेक्ट करना। तो वहां पे आपको क्या होगा, आईडी पासवर्ड आपको देना होगा। यहाँ से आप एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करके आईडी पासवर्ड डालिए एंड कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा, ये देखिए मेरा आ गया। अब यहाँ पे डेटाबेसेस होंगे, डेटाबेसेस के अंदर टेबल होंगे, ठीक है, टेबल के अंदर आपके डेटा होगा। तो चलिए अभी जो चीजें हैं सबको हम छोड़ देते हैं, हम नया एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। कि मान लीजिए मैंने जस्ट सिक्वल सर्वर इंस्टॉल किया है, तो मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए डेटाबेस पे राइट क्लिक करें और चले जाए न्यू डेटाबेस। डेटाबेस पे क्या करें, राइट क्लिक करें और न्यू डेटाबेस पे चले जाए। आपका एक पॉपअप आएगा, इसमें डेटाबेस डाल, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 6 AM, 6 AM डाल दिया। और उसके बाद यहाँ जो है परमिशंस वगैरह की डाल सकते हैं कि कितना परमिशंस वगैरह है, ये चीजें डाल
कहाँ स्टोर हो रहा है पाथ वगैरह, आप देख सकते हैं कि पाथ कहाँ गया है। और ये सबको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है और ऐड करने की जरूरत नहीं। ऐड कब किया जाता है, जब आपको कई सारे डेटाबेस लगाने बनाने हो। तो फिलहाल तो मुझे एक ही बनाना है, जस्ट ओके कर दिया। ओके करते ही आप देखिएगा यहाँ पे 6 AM का डेटा आ गया। देखिए डेटा डेटा बेस क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ, डेटा बेस क्रिएट हुआ। अब इसके अंदर कई सारे टेबल्स बनाने हैं और उसके अंदर डेटा लोड कर दिया। तो हम टेबल्स बनाए बगैर डेटा को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास एक्सेल फाइल है, क्या है, एक्सेल फाइल है यहाँ। अब इस एक्सेल फाइल के अंदर मेरे पास मान लीजिए BI टेबल का एक्सेल फाइल है, मेरे पास ये डेटा है और मुझे इस डेटा को सीधे लेके जाना है SQL। ठीक है, कैसे लाएंगे, क्योंकि डेटा इंपोर्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक QD सीखेंगे कैसे। तो यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और जाएंगे नहीं न्यू डेटाबेस में नहीं, यहाँ पे टेबल पे, टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे टास्क में। टास्क टास्क में नीचे आपको दिखेगा इंपोर्ट फ्लैग फाइल, इंपोर्ट डेटा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा। तब यहाँ इंपोर्ट डेटा पे आ, इंपोर्ट डेटा में आइए, इसको नेक्स्ट कीजिए वेलकम सीट को। यह भी आता है डेटा सोर्स कि आपका डेटा सोर्स क्या है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर मैं एक्सेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ 2093 है, अब यहाँ पे 2017 या 16 भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए कोई फाइल अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो फिलहाल जो है इसका पैच जो है वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। मेरा सिस्टम जो है उस पैच को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अब इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, एरर आया। क्यों, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ACEODB 16.0 ये रजिस्टर्ड नहीं है हमारे लोकल मशीन सिस्टम डेटा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको गूगल पे जाना होगा और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो लेना पड़ेगा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ACE यहाँ पे 12.16 पॉइंट, इसको डाउनलोड करके इसको ये डाउनलोड हो रहा है, इसको रन करना हो, लेकिन किसी कारण से मेरे पीसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है जो कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या दिक्कत हो रही है, अब देखिए ये प्रॉब्लम आ रहा है 32 बिट वर्जन। इसको इंस्टॉल करके आप लोग चेक करके देखिएगा कि आपका सिस्टम रह रही है। मेरा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से क्या हो रहा है कि मैं सिर्फ डॉट एक्सएलएस फाइल को ही इंपोर्ट कर पा रहा हूँ, डॉट एक्सएलएस एक्स को इंपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है मैंने, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए तो इसको छोड़ते हैं। फिलहाल आप क्या करें, अगर आपका ये नहीं हो पा रहा है तो आप सिंपल क्या इंपोर्ट करें, तो यहाँ पे एक मिनट टास्क में हो ना, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करें 97 से 2003, वो आपका ले लेगा। देन नेक्स्ट करें,
और मुझे अब आता है डेस्टिनेशन कि डेटा को कहाँ डालना है। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है और सिलेक्ट करना है एसक्यूएल सर्वर नेटिव क्लाइंट 110.0, इसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से अपना सर्वर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हो सकते हैं कि आपके डेटाबेस में सर्वर कई सारे हो, सो यहाँ पे अपना सर्वर चूज करना है, अपना एप्लीकेशन यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालना है, देन चूज करना है डेटाबेस कि आपको किस डेटाबेस में अपना सिक्वल का डेटा इंपोर्ट करना है। दो चीज आपको करनी है। तो यहाँ आपको अपना सर्वर चूज करना है, अगर एक सर्वर है तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद अपना ऑथेंटिकेशन यहाँ पे डालना है, आईडी पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे अपना डेटाबेस चूज करना है कि किस डेटाबेस में आपको चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आता है कि आप क्यूरी राइट करना चाहते हैं या डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। कॉपी पेस्ट में क्या होगा कि जैसा एक्सेल में डेटा था सेम टिट्टो यहाँ पे आ जाएगा। और हम जब क्यूरी लिखते हैं तो उसमें अपने हिसाब से क्यूरी लिखेंगे कि भाई ये फलाना डेटा चाहिए, फलाना नहीं चाहिए, फलाना कैलकुलेट होके चाहिए, अपने हिसाब से कोड करेंगे ताकि उसी हिसाब से डेटा इंपोर्ट होगा। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे कौन सा सीट का था, ए सीट। तो यहाँ डेस्टिनेशन में देखिए नाम आ गया। तो यहाँ पे नाम आप खुद चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसका नाम लिख दिया सेल्स, ठीक है ना। नाम हम ऐसा नहीं कि सीट वन सीट हो, यहाँ पे खुद नाम डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि इस नाम का टेबल होना ही चाहिए, वो तो टेबल खुद ब खुद बना ले। देन नेक्स्ट कीजिए। तो नेक्स्ट करने के बाद आप रन इमीडिएट कीजिएगा तो आपका फिनिश कीजिए तो ये चेकलिस्ट चलेगा। अब इसमें किसी तरह का एरर नहीं दिखा और यहाँ दिख रहा है कि 96 रो ट्रांसफर हो चुके हैं, मतलब कि 9650 रोज का डेटा हमारा एक्सेल से उठ के कहाँ आ गया, टेबल में। अब हम देखेंगे कैसे कि डेटा इस पे है या नहीं है। तो इस पे राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट 1000 कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो है क्यूरी देखिए दिख रहा है आपको, एक क्यूरी राइट हो गया और यहाँ पे डेटा आपको दिख गया, ठीक है। चलिए एक बार और समझाते हैं कि हम डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे एक्सेल से। ध्यान से देखिएगा, तो सिक्वल सर्वर में जिस डेटाबेस में आपको करना है उस डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, टास्क पे जाइए और जाइए कहाँ पे, इंपोर्ट डेटा, नेक्स्ट कीजिए और यहां से सोर्स सेलेक्ट कीजिए। सोर्स में मैंने एक्सेल को सिलेक्ट कर लिया, ब्राउज करके अपनी एक्सेल फाइल चूज कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि आपका एक्सेल फाइल जो है वो डॉट एक्सएलएस ही होना चाहिए, डॉट एक्सएलएस एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा नहीं है कि भाई एक्सेल फाइल नहीं है, दूसरा फाइल है, तो क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, सेव एज कर देन इंपोर्ट। अब यहां पे कीजिए, यहाँ पे 97 से 23 सेलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे डेस्टिनेशन में क्या सिलेक्ट करेंगे, नेटिव क्लाइंट, और यहाँ पे वही अपना सर्वर नेम, आईडी पासवर्ड है तो है, अगर भाई विंडोज एप्लीकेशन, यहाँ पे अपना डेटाबेस नेम, देन नेक्स्ट नेक्स्ट। अब सेलेक्ट करेंगे अपना डेटा, यहाँ पे टेबल, तो टेबल का नेम जो है यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर, देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट देन फिनिश, 86 आ गया, देन क्लोज।
अब यहाँ पे डेटा तो नहीं आया, तो अब जो कई बार क्या होगा कि इंपोर्ट करने के बाद डेटा आएगा नहीं, यहाँ पे टेबल दिखेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, जस्ट रिफ्रेश, क्या कीजिए, रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद आ जाएगा। अब एक दो बार रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है। यहाँ पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट थाउजेंड करें तो डेटा आपका देखिए। अब क्वेश्चन आता है कि चलिए सर आपने बोला कि डेटा जो है नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो एक्सेल का डेटा फिलहाल नहीं ले रहा है, लेकिन मेरे पास जो डेटा 1.5 लाख या 3 लाख या 4 लाख का डेटा है, उससे भी ज्यादा डेटा है, तो कैसे लाएंगे आप एक्सेल में, तो उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए CSV फॉर्मेट में। किसमें? CSV फॉर्मेट में। तो डेटा को CSV फॉर्मेट में सेव करना तो आता ही है, सेव एज जाके, सेव एज करते समय जो फॉर्मेट होता है उसको आप CSV फॉर्मेट में डाल, कॉमा सेपरेटेड फाइल होता है ना, एक्सेल CSV फॉर्मेट, ये रहा CSV, तो CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर देंगे तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? सेम उसी तरह से टास्क। अब आपके पास अगर CSV या नोटपैड की फाइल, CSV और नोटपैड की फाइल है, आप जो है इंपोर्ट फ्लैग फाइल, हालांकि इसके जरिए भी, इंपोर्ट डेटा के जरिए भी जा सकते हैं, अदरवाइज इंपोर्ट फ्लैग फाइल के जरिए भी जा सकते हैं, इंपोर्ट फ्लैग फाइल, देन नेक्स्ट, तब यहां से अपना जो CSV का फाइल है या नोटपैड का फाइल है उसको ले ले, जैसे कि CSV फाइल तो ये है हमारा, और यहाँ नीचे देखिए ये CSV फाइल था, पी डेटा भी CSV फाइल हमारा, कॉन्टैक्ट कनेक्शन सब CSV फाइल हमारा, कनेक्शन भी CSV फाइल हमारा, और नोटपैड की फाइल भी है। तो मान लीजिए ऊपर जो हमारा नोटपैड है, हमारा DT जो है एक नोटपैड की फाइल है, इसी को लेते हैं, देन ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू टेबल नेम क्या रखेंगे, DT, या कुछ और कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं F डेटा, मैं फर्स्ट डेटा, देन नेक्स्ट, ये आपके सारा डेटाबेसेस यहाँ पे दिख जाएगा, आप यहाँ पे इसको देख लीजिए कि डेटा सही है नहीं है, देन कीजिए नेक्स्ट, और यहाँ पे करना लीजिए कि यहाँ पे ID हमारा जो है ना प्राइमरी ही है, और इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ब्लैंक किसको अलाउ नहीं करना है, अलाउ करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सर प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की के मतलब बोल सकते हैं यूनिक आईडी, प्राइमरी की मतलब यूनिक आईडी, मतलब कि आईडी वाले कॉलम में एक नंबर से ज्यादा ऐड नहीं होंगे, दैट कॉल प्राइमरी नंबर, देन नेक्स्ट एंड फिनिश, सक्सेस हो गया, देन क्लोज कीजिए और फिर इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए और देखिएगा यहाँ पे टेबल आपका इंपोर्ट हो जाएगा, देखिए चेक करना है, राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट टॉप थाउजेंड, यहाँ पे आपके टॉप थाउजेंड आ गए। तो मान लीजिए कि मेरा डेटा MS एक्सेस पे पड़ा है, मुझे MS एक्सेस, क्योंकि कई बार हम लार्ज डेटा को MS एक्सेस में डालते हैं, तो सेम टास्क में जाएंगे, इंपोर्ट डेटा, नेक्स्ट, अब डेटा सोर्स में यहां देखिए कई सारे सोर्सेस हैं, कि यहाँ आप MySQL से ले सकते हैं, ओरिकल से ले सकते हैं, ODBC से ले सकते हैं, ओरिकल से ले सकते हैं, SQL सर्वर से ले सकते हैं, फाइल फ्लैट फाइल जो ये नोटपैड की फाइल थी वो ले सकते हैं, या आपका MS Excel डेटाबेस ले सकते हैं, एक्सेल से ले सकते हैं, या आपका DB जो SQL सर्वर है उससे ले सकते हैं, ये सब इसका है, अलग अलग सर्विस, एनालिसिस सर्विसेज है, ओरिकल वगैरह है, सर्च है, SQL है, फॉक्स थ्रो से डेटा ला सकते हैं, और फिर SQL की किसी दूसरे सर्वर का डेटा भी इस सर्वर में ला सकते हैं, या दूसरे डेटाबेस का डेटा भी इसमें लेके ला सकते हैं, ठीक है, यहां से डेटा ले सकते हैं। हालांकि हमें इंपोर्ट डेटा इंपोर्ट करने का काम बहुत कम ही मिलता है, अब ऐसा रीजन क्यों? सबसे पहले समझिए कि SQL के ऊपर डेटा आता कैसे है, तो अब आपके पास डेटा क्या होता है, आपको क्या लगता है कि डेटा जो मोस्टली जो जैसे अमेजोन हो गया,
फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे जो वेबसाइट है उनकी डेटा क्या होता है, एक एक जो यूजर्स होते हैं उनकी एक एक जो एंट्री होती है उसको वन बाय वन एक के नीचे वो कुलेट करता है और कुलेशन डायरेक्ट डेटाबेस में करता है। ऐसे मान लीजिए बिजली का बिल भरने जाते हैं तो बिजली का बिल का जो डेटा है क्या लग रहा है कि किसी ने 100 रुपये बना के दे दिया, नहीं, जो डेटा वो सर्वर में अपने सॉफ्टवेयर में पंच करके पेमेंट एक्सेप्ट करता है, स्लिप निकालता है, उसकी पूरी डेटा डायरेक्टली एसक्यूएल सर्वर में, या जो भी सर्वर, जो भी एसक्यूएल सर्वर यूज कर सके, कुछ और चीजें भी यूज करते हैं, डायरेक्ट सर्वर में एक के नीचे होता है। इंपोर्ट करते कब है, जब हमें कहीं और से डेटा मिला और उसको अपने सर्वर में मुझे डालना है, तब हम इंपोर्ट का काम करते हैं। मतलब इंपोर्ट का काम बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि सर्वर जो एसक्यूएल सर्वर जो है वो डेटा रखने का नहीं, डेटा को जमा करने का काम करता है। ठीक है, मतलब ये पानी का टैंकर नहीं है, ये डायरेक्ट जो है नदी से जुड़ा हुआ टैंक है, समझे। चलिए एक्सेस की फाइल को कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, ब्राउज करते हैं अपना एमएस एक्सेस डेटाबेस। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे दिक्कत है कि ए बी जो लेगा वो आपका, मैं जो ऑल फाइल करता हूं तो बहुत सारे एक्सेस फाइल आपको दिख जाएगा, जैसे पी डेटा दिख गया या डेटाबेस 26 दिख गया, ऐसे डेटा को इंपोर्ट नहीं कर पाए। देखिए नेक्स्ट कीजिए, क्योंकि हमारे पास वही आपको जो है ना नहीं है, ये इसका प्रोवाइडर नहीं है, इसलिए मुझे वो फाइल चाहिए जो MDB है, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस MDB है, ये रहा डेटा को MDB पे रहा है, तो उसको भी आपको एक्सेस फाइल को भी सेव एज करके MDB रखना, देन ओपन, देन नेक्स्ट। और फिर यहां से डेस्टिनेशन सेलेक्ट कीजिए, एसक्यूएल सर्वर नेटिव क्लाइंट 1.10, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन डेटा लिया और यहाँ पे हाँ डेटा ही रहने देते हैं, डेटा की जगह चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे एसएस डेटा, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश, आ गया। तो इस तरह से डेटा हम ले सकते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर को ऑपरेट करना, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ऑपरेट करना, उसमें डेटा इंपोर्ट करना और इंपोर्ट की गई टेबल के डेटा को देखना, आ गया इसको दिक्कत। हेलो, जी हाँ, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और किसी और को दिक्कत, बाकी लोग, माधुरी जी कोई दिक्कत, सागर जी, राम प्रकाश दीक्षित जी, आप लोग भी बैच में हैं। तो सबसे पहले बताइए सर्वर तो सबके पास है ना, सुशांत जी सर्वर इंस्टॉल हो गया आपका, सागर जी आपका, जी हाँ, तो एरर आ रहा था तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए और एरर का फोटो खींच के भेजना चाहिए ना सर। राम प्रकाश जी आपने इंस्टॉल कर लिया, और सबका देखिए, आपने इंस्टॉल अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए प्लीज, क्योंकि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अभी डेटा इंपोर्ट करना नहीं हो पाए,
मैंने आपको ऑनलाइन सर्वर का लिंक बोला था कि ऑनलाइन बहुत सारे सर्वर हैं, डेटाबेसेस एक कंपाइलर है, जैसे गूगल पे जाके देखिएगा एसक्यूएल ऑनलाइन कंपाइलर या एडिटर, इसे कुछ सर्च करेंगे ना तो प्रोग्राम जे W3 स्कूल ये आपको आ जाए। तो आप बिना सर्वर इंस्टॉल करे यहाँ पे दे सकते हैं कि इस पे जस्ट सीक्वल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो तीन चार टेबल आपको दिए हैं इसी तीन चार टेबल को आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें आप डेटाबेस इंपोर्ट करना या टेबल क्रिएट करना जैसे चीजें आप नहीं कर सकते ना, ठीक है। लेकिन सिक्योर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपके सामने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसमें डेटा इंपोर्ट करना सीखा, समझ गए। डेटा इंपोर्ट, अब यहाँ पे आप बारी आती है कि क्या हम खुद के टेबल बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल खुद के टेबल बना सकते। कैसे? बस डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और नहीं टेबल, माफ कीजिए, डेटाबेस नहीं, माफ कीजिए, टेबल के ऊपर, इसी टेबल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए और टेबल पे क्रिएट। अब यहाँ पे अपने कॉलम्स और अपने डेटा टाइप डिफाइन कीजिए। जैसे मैंने अभी बोला कि आईडी जो कि होगा यहाँ पे इंट, नेम जो कि होगा यहाँ पे कैर, कैर 10 की जगह पे मैं यहाँ पे कैर 50 कर देता हूँ। हम यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे सिटी जो कि अगेन कैर 50 होगा। अब कैर 50 क्या है? करेक्टर 50। इस पे डेटा टाइप जिसके अंदर किस तरह का डेटा इंस्टॉल होगा वो डिसाइड करना होगा। इसके बारे में हम अगली क्लास में पूरी डिटेल में आपके साथ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है। अब ये डेटा टेबल बन गया, इसको क्लोज करते हैं। टेबल का नाम पूछेगा, यस कीजिए, टेबल का नाम दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सी डेटा के नाम से, क्रिएट डेटा के नाम से मैंने बनाया है, यहाँ पे सी डेटा। अब आता है सर, मुझे डेटाबेस इंट्री करनी है, डेटा इंपोर्ट नहीं करना है, डेटा इंट्री करना। तो जैसे राइट क्लिक करते थे ना उसी के ऊपर यहाँ पे देखिए एडिट 2000 करके आएगा। एक्सेल सीट की तरह यहाँ अपना डेटा डाल सकते हैं, जैसे कि मैं पूजा डाल यहाँ पे, पूजा सिटी में दिल्ली माउंट 500 टू नंबर, इस तरह से डेटा एंट्री कर सकते हैं। या फिर एंट्री कहीं से करा सकते हैं, ठीक है, या एंट्री कहीं से आप करा सकते हैं, क्लियर है। अब कहीं से कहां एंट्री करेंगे? एंट्री हम किसी फॉर्म के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी वेबसाइट के थ्रू हम इसके अंदर एंट्री करा सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिएगा, आज तो नहीं, आप लोग, हम लोग जो है अगली जो क्लास हमारी होगी उसमें आपको मैं एक वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की क्लास होगी हमारे, जिसमें मैं बताऊंगा कि एक्सेल से डेटा को एसक्यूएल में कैसे एक फॉर्म की मदद से भेजा जाए, ठीक है। वो क्लास आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप सीख पाइएगा कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट, वेब पेज अगर बनाने आता है तो वेब पेज से डेटा लेके आ सकते हैं एसक्यूएल पे। तो वो देखिए एसक्यूएल एक बैकएंड हो गया, फ्रंट एंड में बहुत सारी चीज हो सकती है, पीएचपी हो सकती है, पीएचपी के थ्रू थ्रू आप कुछ बना रहे हैं वेब एप्लीकेशन, डेटा आपके एक्सेस इसमें एसक्यूएल में जाएगा। आप मान लीजिए .NET के थ्रू बना रहे हैं, सी शार्प के थ्रू बना रहे हैं, डेटा इसके अंदर जाएगा। एम आप VB6 के जरिए बना रहे हैं, आप सी के जरिए बना रहे हैं, आप पाइथन के जरिए बना रहे हैं, तो डेटा जो भी कुछ बना रहे हैं डेटा सिक्वल पे चला जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए आज की क्लास।